बच्चों यह था अध्यापक और विद्यार्थी पाठ जिसका हमने रिवीजन किया। तो इस पाठ में हमने देखा कि अध्यापक जिसे पहले रमेश नमस्ते कहता है, नमस्ते गुरुजी, तो अध्यापक जी कहते हैं नमस्ते, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? तो रमेश उत्तर देता है मेरा नाम रमेश है गुरुजी, और यह मेरी सिस्टर। तो अध्यापक जी पूछते हैं तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तो रमेश उत्तर देता है मेरी बहन का नाम राधा है, माय सिस्टर नेम इज राधा। तो अध्यापक जी राधा से पूछते हैं, उसकी बहन से पूछते हैं, सिस्टर से पूछते हैं, जो चित्र में आप देख सकते हैं। तो अध्यापक की सिस्टर है, उसकी बहन रमेश की बहन से पूछते हैं राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? तो राधा बताती है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ अध्यापक जी। तो इसके बाद अध्यापक जी पूछते हैं यह तुम्हारा भाई है जो बीच में खड़ा रहता है, एक बालक एक लड़का, उसे पूछते हैं यह तुम्हारा भाई है? किसे पूछते हैं? रमेश से पूछते हैं। तो रमेश बताता है हाँ गुरु जी यह मेरा भाई है, यह मेरे भाई है, बड़े भाई है। कैसे भाई है? बड़े भाई, माय एल्डर ब्रदर। तो अध्यापक जी कहते हैं क्या नाम है इसका? इनका नाम सुहास है। इनका नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? सुहास है, रमेश उत्तर देता है। अध्यापक जी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तो रमेश उत्तर देता है बच्चों मेरे पिताजी वकील हैं। तो अध्यापक जी कहते हैं वे इसी शहर में रहते हैं? तो रमेश कहते हैं हाँ वे इसी शहर में रहते हैं। गुरु जी क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रमेश अध्यापक जी से प्रश्न पूछता। तो अध्यापक जी कहते हैं, शिक्षक कहते हैं अवश्य, क्यों नहीं, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा नाम क्या है? पवन कुमार। कौन कहते हैं? अध्यापक कहते हैं। आगे कहते हैं रमेश तुम्हारा घर कहाँ है? तो रमेश उत्तर देता है मेरा घर विजयनगर है। आपका घर कहाँ है गुरु जी? तो रमेश प्रश्न पूछता है। तो अध्यापक जी उत्तर देते हैं मेरा घर विजयनगर में है, यानी तुम्हारा घर रमेश विजयनगर में है, मेरा घर वही है, मेरा घर विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आ जाना बेटा। तो रमेश से कहते हैं अध्यापक तुम कभी तुम्हें तुम्हारा घर भी उसी से विजयनगर में है, मेरा घर वही है, तो तुम कभी तुम्हें समय मिले तो मेरे घर आ जाओ। तो रमेश कहता है हाँ गुरु जी जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा, जरूरी रहता तो अवश्य आऊंगा। तो अध्यापक कहते हैं अच्छा बेटे, अच्छा चलो देर हो रही है, अच्छा चलो बच्चों देर हो रही है, लेट हो रहे हैं, हम चलेंगे। रमेश कहता है धन्यवाद गुरु जी, नमस्ते। इस प्रकार कहते हुए पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें रमेश, सुहास, राधा कौन है, यानी रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? सुहास। रमेश की बहन का नाम क्या है? राधा है। रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? वह वकील है। रमेश कहाँ रहता है? विजयनगर में रहता है। अध्यापक जी का नाम क्या है? पवन कुमार है। अध्यापक जी कहाँ रहते हैं? विजयनगर में रहते हैं। राधा कहाँ पढ़ती है? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। इतना सारा आपकी जानकारी इतना प्राप्त करें तो इस पाठ के लिए अवश्य है। तो यह पाठ संवाद है, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे से। तो यह पाठ मुख्य यह आशय है कि हम किस तरह से प्रश्न यहाँ किस तरह से अध्यापक जी रमेश से पूछते हैं और रमेश अध्यापक जी से प्रश्न पूछता है। तो इसी प्रकार आपको भी कोई दुकान में जाना हो या कुछ चीज़ें को खरीदना हो तो आप उनको प्रश्न पूछना है यह कितने दाम में आप देंगे, हाँ तो यह कितने दाम का है, कितने दिनों का, इसका एक्सपायर डेट क्या है। कोई भी चीज़ आप खरीदने हैं तो आपको मोल भाव करके उनसे प्रश्न पूछकर उनके साथ संवाद करके व्यापारी के साथ उस ग्राहक जो होते हैं आप ग्राहक जो होते हैं आप दुकान में जो भी चीज़ें खरीदने जाते हैं शॉप को जाते हैं तो आपको प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर बताया गया है, ना केवल दुकान में नहीं अलग अलग जगह। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर हम थोड़े से देखेंगे। तो रमेश की बहन का नाम क्या है, पहला प्रश्न। तो उत्तर लिखिए बच्चों रमेश की बहन का नाम क्या है? रमेश की बहन का नाम क्या है बच्चों? राधा है। अध्यापक का नाम क्या है? अध्यापक का नाम पवन कुमार है। रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर विजयनगर है। तो चलिए सोचो बताओ हुआ, अभी उत्तर लिख लीजिए। राधा कहाँ पढ़ती है? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है बच्चों। अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापक का घर विजयनगर है। रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश के पिताजी वकील हैं। पढ़ो समझो लिखो, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका,
बहन भाई माता पिता मोर मोरनी। इसके बाद जोड़कर लिखिए गुरुजी पाठशाला से संबंध रखते हैं, वकील न्यायालय, किसान खेत, डॉक्टर यानी वैद्य अस्पताल से संबंध रखते हैं, व्यापारी दुकान, सिपाही जो होते हैं सिपाही सोल्जर जो होते हैं वह सेना से यानी आर्मी से संबंध रखते हैं यानी सेना में रहते हैं। तो यह चीज जोड़ कर लिखिए। इसके बाद सही वाक्यों के आगे सही का निशान और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान। इफ दैट सेंटेंस इज राइट यू शुड पुट द राइट मार्क, इफ सेंटेंस इज रॉन्ग देन यू शुड पुट द रॉन्ग मार्क। गुरु जी का घर विजयनगर में है, सही है। गुरु जी का घर यानी अध्यापक जी का घर भी विजयनगर में है, रमेश नगर भी विजयनगर में है, सही है। रमेश के पिताजी अध्यापक हैं, गलत, क्योंकि रमेश के पिताजी क्या है, वकील है, लॉयर है। सुहास रमेश का छोटा भाई है, गलत, रॉन्ग, क्योंकि सुहास रमेश का बड़ा भाई है। यहाँ पर क्या दिया है, सुहास रमेश का छोटा भाई है, यह गलत। इन शब्दों का अर्थ कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखिए। चलिए अंग्रेजी में हम बताएंगे, अध्यापक टीचर, भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, घर होम या हाउस, काम वर्क, वकील लॉयर। तो इसके बाद संयुक्त अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि तुम्हारी, स्कूल, कृपालु, कसैला, अंततः, त्रिकोण, आश्रय, स्तंभ, मुर्गा, धर्म, अध्यापक, विद्यार्थी। किस प्रकार से संयुक्त अक्षर को दिया गया है वो ध्यान से आपको ऊपर देखना है। तो वर्णों को जोड़कर आपको विशाल शब्द बनाने, जैसे कि ग प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ यानी बालक, दूसरा शब्द है भूखी, तीसरा शब्द है बुढ़िया, चौथा शब्द तूफान, पांचवा शब्द है दयालु। तो भाषा क्या है, इन शब्दों पर ध्यान दें, जैसे कि राधा, रमेश, घर, सरिता, विद्यार्थी, विजयनगर, वकील। इसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। तो देखिए बच्चों, अन्य लिंग यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बहन बहन इसका पुल्लिंग रूप क्या होता है, भाई, पिताजी स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, माता जी, विद्यार्थी विद्यार्थी, अध्यापक अध्यापिका, नॉट अध्यापकी, कन्नड़ में हम अध्यापक अध्यापकी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम लिखते हैं अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, इस प्रकार लिखते हैं। अन्य वचन रूप लिखिए, घर घर ही होता है बच्चों, पत्रिका पत्रिकाएं, बच्चा बच्चे, शहर शहर। विलोम शब्द, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, सुख दुख, दूर पास। तो यह थे पाठ दो, विद्यार्थी यानी अध्यापक और विद्यार्थी। इस पाठ का हमने आज रिवीजन किया, तो इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर को, जो भी व्याकरण भाग, जो भी भाषा ज्ञान आपको दिया गया है यहाँ, इसको आप ध्यान से पढ़कर याद कीजिए बच्चों। पाठ बहुत सरल है, बहुत आसान है, जब हम यह तब जाकर सरल होगा जब आप उसे पढ़कर इसको समझेंगे, इसको दो तीन बार पढ़ेंगे समझेंगे तब जाकर आसान। तो पढ़िए, जो जिन्होंने क्लास वर्क नहीं कंप्लीट कीजिए, जो जो टेस्ट नहीं लिख रहे टेस्ट लिख लीजिए, मुझे पोस्ट कीजिए, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे लेसन नंबर 3 यानी पार्ट 3 के साथ। सुनो मेरी कहानी, इस पार्ट का हम रिविजन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ बच्चों, धन्यवाद।